सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। सो गाइज, आज हम बात करेंगे, जैसे कि आपने सुना ही होगा कि पबजी हमारे देश में बैन हो चुकी है, लेकिन पबजी के बैन होने के ठीक दो दिन बाद एनकोर गेम्स ने अनाउंस किया है नई गेम जिसका नाम है FAUG। जी हाँ दोस्तों, जिसकी फुल फॉर्म है फेयरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड। वो इसके पोस्टर से आपको पता चल जाता है कि ये एक वेपन गेम होने वाली है, जैसे कि पबजी हमारे लिए थी। और एनकोर गेम्स के द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि ये जो गेम है पबजी का इंडियन वर्जन हो सकता है। सो गाइस, साथ ही साथ अक्षय कुमार जी के ट्वीट पे ये लिखा है कि ये जो गेम है वो उसको लेकर काफ़ी प्राउड फील कर रहे हैं, और साथ ही लिखा कि इस गेम को खेलकर आप एंटरटेनमेंट तो कर ही पाओगे, और साथ ही साथ हमारे देश के जो रियल सोल्जर हैं उनके सैक्रीफाइस के बारे में जान लेंगे। सो गाइस, एक सल्यूट तो बनता है हमारे देश के रियल हीरोज के लिए। गाइस साथ ही साथ ये भी लिखा है कि इस गेम के द्वारा जो भी पैसा कमाया जाएगा, जो भी अर्निंग होगी इस गेम की, उसका जो 20% है वो हमारे भारत के वीरों को डोनेट किया जाएगा। सो ये काफ़ी अच्छी बात है गाइस। अब देखना ये है कि ये गेम कैसी होती है और पबजी लवर्स के दिलों में ये अपनी जगह बना पाती है या नहीं। सो गाइस, कोई भी अपडेट आती है इस गेम को लेकर वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और कमेंट करके बताना कि पबजी का बैन होना ठीक था या नहीं, और इस गेम का हमारे देश में आना कैसा लगा आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप पबजी खेलो जब तक आपकी पबजी चल रही है। सो गाइस, बाय, टेक केयर।